गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी स्वस्थ होंगे, घरों में एंजॉय कर रहे होंगे और जो एक नया एजुकेशन सिस्टम आपको वर्तमान परिस्थितियों में प्रोवाइड हो रहा है उसमें आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये आप लोगों के लिए भी एक नया पैटर्न है और हम लोगों के लिए भी एक नया पैटर्न। इस पैटर्न में थोड़ा सा इंट्रैक्शन की कमी होती है। जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो आप क्वेश्चन भी करते हो, आपके हम फेस एक्सप्रेशन भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप वीडियो देखोगे तो आप घर बैठ के देखोगे। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप चाहे व्हाट्सएप मैसेज से या आप कोई बिल्कुल ही कोई और ज़्यादा दिक्कत है तो आप फ़ोन करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पर्पज है वो यही है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और यदि आप अच्छे से समझ रहे हो, पिछले 3-4 क्लासेज में आपने अच्छे से समझा है, तो आप अपना रिप्लाई अवश्य कीजिए कि हमको ये इस तरीके से पढ़ना कैसे लग रहा है, अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। और जब आप अपना फीडबैक देते हैं तो आप उसमें अपना नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि कई बार आप लोग मैसेज करते हैं उसमें नाम क्लियर नहीं हो पाता। तो आप एंजॉय कीजिए इस पढ़ाई में भी, और जो ये थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, जल्दी ही हम इसे ओवरकम करेंगे, जल्दी ही आप लोग पूरे के पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ आप कॉलेज में आओगे और वही क्लासरूम होगा, वही सब कुछ वैसे का वैसे होगा, वही वैसे के वैसे दुनिया दौड़ेगी भागेगी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है, थोड़ा सा हमें अपना भी आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपने घर वालों का भी बनाए रखना है और अपने आसपास के लोगों का भी बनाए रखना है। बस एक बात याद रखनी है कि ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे साथ हैं और हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ और बढ़िया हो जाएगा। बस इसी थॉट के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। वी ऑलवेज थिंक दैट गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड वी विल कम फ्रॉम दैट टाइप ऑफ एडवर्स सिचुएशन सून। अब तक हमने संविधान के 5 भागों के बारे में देखा था। पहला भाग क्या है? भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग क्या है? भारतीय नागरिकता। तीसरा भाग क्या है? मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। फोर्थ पार्ट क्या है? स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य नीति निदेशक तत्व। और फोर्थ क्या है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं। इन लास्ट क्लास यू सॉ अबाउट यूनियन गवर्नमेंट एंड आई टोल्ड यू दैट इट पार्ट इज वेरी वेरी बिग पार्ट एंड प्रोबेबली वी कैन से दैट इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके से अगले भाग में ही राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है, क्योंकि हमारे देश में एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं और नीचे स्थानीय सरकार। तो देश में जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, जो हमारे राज्य हैं, वहाँ पे भी सरकार के 3 ही अंग होते हैं। देयर आर आल्सो 3 ऑर्गन्स इन आवर गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। 3 ही अंग होते हैं
थोड़ा बहुत नामकरण में अंतर है, वहाँ पे हम संसद कह देते हैं, यहाँ पे हम विधानमंडल कह देते हैं, वहाँ पे हम राष्ट्रपति कह देते हैं, यहाँ पे हम राज्यपाल कह देते हैं, वहाँ पे हम प्रधानमंत्री कह देते हैं, तो यहाँ पे हम मुख्यमंत्री कह देते हैं। बाकी लगभग जो सिस्टम है वो लगभग एक जैसा। तो हमारी केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई टकराव न हो, किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ से ही राज्यों के लिए उल्लेख अलग कर दिया और केंद्र के लिए उल्लेख अलग कर दिया। तो इन सिक्स पार्ट देर आर आर्टिकल 152 to 237, यहाँ पे जो आर्टिकल है 152 से लेके 237 है। टोटल इन सिक्स पार्ट टोटल आर्टिकल आर 152 to 237। और इसमें जो पहला अध्याय है वो जनरल है, वो साधारण है, जिसमें उल्लेख है आर्टिकल 152, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य की अपनी क्या होगी, एक सरकार होगी, एक जनरल आर्टिकल। उसके बाद जो आर्टिकल सेकंड है वो है एग्जीक्यूटिव से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित, और इसमें जो आर्टिकल है वो है 153 से लेके 167, 153 to 167 articles are concerning from our state executive, and our state executive also divided into our three part. First of all, we are seeing about governor, राज्यपाल के बारे में उल्लेख किया गया है, उसके बाद उल्लेख किया गया है मंत्री परिषद के बारे में, और उसके बाद उल्लेख किया गया है मुख्यमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है। आपको पता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। तो यदि आप लोगों को पहले राज्यपाल के बारे में नहीं भी पता था, तो राजस्थान में जो पिछले लगभग एक महीने से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में विवाद चल रहा है, आप घर पे ही रहते हो, आप टीवी में न्यूज़ सुनते हो, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते भी होंगे कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री में थोड़ा सा क्या चल रहा है, इन दिनों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो राज्यपाल के बारे में आप सभी को पता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, और जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है, वो कनाडा से लिया है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टुक फ्रॉम कनाडा गवर्नर्स, ये जो गवर्नर को नियुक्त करने का तरीका है ये कहाँ से लिया है, कनाडा से। उसके बाद है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, आर्टिकल जो अध्याय दो है उसमें मंत्री परिषद का भी उल्लेख है और मुख्यमंत्री का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद है चैप्टर थ्री अध्याय तीन, जिसमें उल्लेख किया गया है राज्य का विधानमंडल, और इसमें टोटल आर्टिकल है 168 से लेके 212। इसमें है स्टेट लेजिस्लेटिव, इन अर सेंटर देर इज ए पार्लियामेंट, वहां पे क्या है, एक पार्लियामेंट है। इन अवर स्टेट देर इज ऑल्सो ए स्टेट लेजिस्लेटिव, यहाँ प्रत्येक राज्य में क्या है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव है, जिसमें विधानमंडल भी, विधानसभा, विधान परिषद, इनका डिटेल में उल्लेख आर्टिकल 168 से लेके 212 में किया गया है। उसके बाद जो चैप्टर फोर्थ है वो है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, जो हमारे राज्यपाल हैं उनकी विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद है अध्याय चार, अध्याय पाँच में है राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स ऑफ अवर स्टेट, जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 214 से 232 तक। देर आर आर्टिकल 214 टू 232 कंसर्निंग फ्रॉम अवर हाई कोर्ट्स, प्रत्येक राज्य में अपनी क्या होती है, एक हाई कोर्ट होती है, उच्च न्यायालय होता है। उसके बाद है अध्याय छः चैप्टर सिक्स, और इसमें उल्लेख किया गया है अधीनस्थ न्यायालय का, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए आपको पता है कि ऊपर है केंद्रीय सरकार, वहाँ भी है सुप्रीम कोर्ट,
राज्यों में है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और जैसे हम गंगानगर में रहते हैं तो यहाँ पे होती है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, या जिन्हें कहा जाता है जिला न्यायालय। इनका भी उल्लेख संविधान में किया गया है आर्टिकल 232 से लेके आर्टिकल 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का उल्लेख किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो राज्यों के बारे में डिटेल में उल्लेख किया गया है, तो यदि हम पांचवें और छठे भाग में तुलना करें तो लगभग वही बातें। वहां पे हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा, तो यहाँ पे हम किसके बारे में देख रहे हैं, राज्यपाल के बारे में देख रहे हैं। वहां पे हमने प्रधानमंत्री के बारे में देखा, तो यहाँ पे हम मुख्यमंत्री के बारे में देख रहे हैं। वहां पे हमने संसद के बारे में देखा, तो यहाँ पे हम विधानमंडल के बारे में देख रहे हैं। वहां पे हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां देखी, जिनका उल्लेख आर्टिकल 123 में किया गया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। वहां पे हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा, तो यहाँ पे हम हाई कोर्ट्स के बारे में देख रहे हैं। और ये एक अन्य पार्ट है, वो है लोअर कोर्ट्स या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जिनका उल्लेख उसमें नहीं है, उसमें इसके स्थान पे था सीएजी, और यहाँ पे उल्लेख किया गया है अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। तो पांचवा भाग भी काफी बड़ा है, विस्तृत है, और छठा भाग भी काफी विस्तृत है। पांचवें भाग से हमारी केंद्रीय सरकार चल रही है, और छठे भाग से हमारे देश की समस्त राज्य सरकारों का संचालन हो रहा है। ओके, थैंक यू।